अब अगर आप आ जाओ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, जब आप करते हो कॉम्पिटिशन्स खेलने की बात करते हो, तो 100% वहां पे जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट्स अ ब्यूटी कॉम्पिटिशन कि ये पर्टिकुलर शेप को आप कितना बड़ा और कितना सुंदर दिखा सकते हो स्टेज में। उसके लिए आपको खूबसूरत मसल बैली लेके पैदा होना पड़ेगा, मतलब आप कहीं से जोड़ के वो नहीं बना सकते। लॉट ऑफ पीपल दे ट्राई डूइंग सिंथॉल, फिर ये वो सर्जरी वर्जरी, नथिंग वर्क्स। दूसरी चीज आपके जॉइंट्स और आपका स्ट्रक्चर, अगर आपका स्ट्रक्चर जो वेस्ट लाइन है उसका हिप का स्ट्रक्चर चौड़ा है और ऊपर का हिस्सा आपका जो वेस्ट लाइन है वो थिक बनती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। यू हैव टू हैव स्मॉल वेस्ट स्ट्रक्चर और उसके हिसाब से आपका जो अपर बॉडी शोल्डर का स्ट्रक्चर है वो एक सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर वो सही प्रोपोर्शन में नहीं होगा तो आप जेनेटिकली बॉडी बिल्डिंग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको वही प्रोपोर्शन चाहिए, स्मॉल वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स, मसल के टाइंस और बेलीज एक सही शेप में। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, आप बॉडी बिल्डिंग में एक ये भी समझिए, जब हम कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं और खास तौर पे एनहांस बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वहां पे ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स इन्वॉल्वड है। तो एक जेनेटिक पोटेंशियल ये भी देखा जाता है कि क्या आपकी बॉडी वो झेल पाएगी या नहीं। कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो बहुत ही अर्ली एज में, 30s में, अर्ली 30s में, यू नो 40s में, यू नो दे कुड हैंडल द स्टफ और वो नहीं रहे, ठीक है। तो बॉडी नहीं झेल पाती है, कई सारे लोगों की जेनेटिक मेकअप नहीं है उनका, क्लैश करती है बॉडी।